हेलो बच्चों, शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं अनुपमा सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओ की मात्रा। अब तक आपने आ से ओ तक की मात्राओं का पुनः अभ्यास किया, उनसे शब्द बनाए, उनका वाक्य बनाना सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। आज हम सीखेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा से शब्द लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे और उनका वाक्य प्रयोग भी करेंगे, मीन्स वाक्य भी बनाएंगे। वाक्य बनाओ, ओके? पहले तो हम कुछ शब्द लिखेंगे, उसके बाद उन शब्दों का वाक्य प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से हम आपका पुनः अभ्यास करवा दे रहे हैं कि ओ की मात्रा कैसी होती है। ये है ओ और ये है ओ की मात्रा। ये ओ है और ये है ओ की मात्रा। ये वर्ण के पीछे लगती है, वन स्टैंडिंग लाइन एंड टू फ्लैट्स के रूप में, ओके बच्चों? तो आज हम क्या करेंगे, पहले ओ की मात्रा से कुछ शब्द लिखेंगे, बाद में उन शब्दों का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। कैसे हम वाक्य बना सकते हैं, चलिए लिखते हैं ओ की मात्रा से बने शब्द। ओके बच्चों, रुको, इसको पहला शब्द है चौकी। हम लिखेंगे चौकी, चौ, च पे लगाएंगे हम ओ की मात्रा, क, क पे बड़ी की मात्रा। यह शब्द है चौकी। देखा बच्चों, ओ की मात्रा कहाँ लगी, वर्ण के पीछे लगी, और यह शब्द है चौकी। अगला शब्द हम लिखते हैं पौधा। क्या लिखेंगे, पौधा, पौ, पपे औ की मात्रा, धा, पौधा, धपे आ की मात्रा। अगला शब्द है पौधा। हमने लिखा चौकी, पौधा, और क्या लिखेंगे हम, नौका, सॉरी, मौसा, म, मपे औ की मात्रा, सौ, सपे आ की मात्रा, मौसा, मौ, क्या हो। अगला शब्द हम लिखेंगे गौरव। ग, ग पे औ की मात्रा, र, व, गौरव। अगला शब्द हम लिखेंगे सौरव। स, सपे ओ की मात्रा, र, व, सौरव, ओके? अगला शब्द हम लिखेंगे पकौड़ी। प, क, कपे ओ की मात्रा, ली, पकौड़ी, ओके? अगला शब्द हम लिखेंगे, हमने लिखा चौकी, पौधा, मौसा, गौरव, सौरव, पकौड़ी, और हम लिखेंगे औरत। र, त, औरत, ओके? अगला शब्द हम लिखेंगे खिलौना। ओके, हमने लिखा चौकी, पौधा, मौसा, गौरव, सौरव, पकौड़ी, औरत, खिलौना, ओके? अब हमको क्या करना है, इन शब्दों से हमको वाक्य बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है, एक छोटा सा वाक्य बनाना है। पहला शब्द है हमारा चौकी। अब हमको चौकी से वाक्य बनाने हैं, तो छोटा सा एक वाक्य बनाइए, चौकी पर बैट। क्या लिखेंगे हम, च, च पे ओ की मात्रा, क, क पे बड़ी की मात्रा, चौकी, प,
र बैट पूर्ण विराम चौकी पर बैठ। अगला वाक्य हम लिखेंगे पौधा शब्द से। पौधा शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पौधा हरा भरा रहता है। क्या लिखेंगे? पौधा, पहले तो हम लिखेंगे पे ओ की मात्रा, पौधा हरा भरा रहता है। पौधा हरा भरा रहता है, यह वाक्य बना हमारा पौधा शब्द से। हमने पौधा शब्द लिया और उससे हमने वाक्य बनाए, पौधा हरा भरा रहता है। अगला शब्द है मौसा। मौसा शब्द से हमको वाक्य बनाना है, राधा के मौसा आए। हम लिखेंगे राधा रपे आ की मात्रा, धा धपे आ की मात्रा, राधा के मौसा मपे औ की मात्रा, स सपे आ की मात्रा, मौसा आए। पूर्णि विराम, राधा के मौसा आए। अगला शब्द है गौरव। गौरव बाजार मत जा। हम लिखेंगे गौरव, गवर्ण पे कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा, औ गौ र वह गौरव बाजार बा जा र बाजार मत जा। पूर्णि विराम, गौरव बाजार मत जा। अगला शब्द है सौरभ। सौरभ खेलने गया। हम लिखेंगे सौरभ, स सवर्ण पे लगाएंगे औ की मात्रा, सौ र व सौरभ। हमने लिखा सौरभ, सौरभ खेलने गया। पूर्णि विराम, सौरभ खेलने गया। अगला शब्द हमारा है पकौड़ी। कौन सा शब्द है? पकौड़ी। पकौड़ी शब्द सुनते ही हमारे मुंह में लालच आ जाता है ना, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो पकौड़ी शब्द से बनाइए वाक्य, पकौड़ी गरम गरम पकौड़ी खा। हम क्या लिखेंगे? गरम गरम पकौड़ी खा। हम लिखेंगे ग र म ग र म गरम गरम प क ली पकौड़ी खा। पूर्णि विराम, गरम गरम पकौड़ी खा।
अगला शब्द है औरत। औरत का सम्मान करो। क्या लिखेंगे हम? औरत। कितना मिनट हुआ? औरत का सम्मान करो हम लिखेंगे औरत का सम्मान करो। औरत का सम्मान करो। अगला शब्द है खिलौना। और खिलौने शब्द से हमको वाक्य बनाना है। खिलौना, मोहन बाजार से खिलौना लाया। हम लिखेंगे मोहन बाजार से खिलौना लाया। मोहन बाजार से खिलौना लाया। तो बच्चों हमने बनाया क्या? वाक्य। इन सारी शब्द से हमने क्या बनाया? वाक्य। एक एक शब्द लिया और उन शब्दों को हमने वाक्य प्रयोग किया। हमारा पहला शब्द था चौकी। चौकी जिससे आप बैठते नहीं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चौकी। च चपे औ की मात्रा, क कपे बड़ी की मात्रा, चौकी। हमने वाक्य बनाया चौकी पर बैठ। चौकी पर बैठ। च चपे औ की मात्रा, क कपे बड़ी की मात्रा, चौकी। प र पर ब ब प ए की मात्रा, ठ बैठ। चौकी पर बैठ। अगला शब्द हमने लिया पौधा। प प पे औ की मात्रा, ध ध पे आ की मात्रा, पौधा। पौधा हरा। ह र र पे आ की मात्रा, हरा। भ र र पे आ की मात्रा, भरा। रहता रहता, त पे आ की मात्रा है, ह पे ए की मात्रा। पौधा हरा भरा रहता है। ओके अगला शब्द है मौसा। म म पे औ की मात्रा, स स पे आ की मात्रा, मौसा। हमने क्या लिखा? मौसा। तो मौसा शब्द से हमने वाक्य बनाया राधा के मौसा आए। राधा र र पे आ की मात्रा, ध ध पे आ की मात्रा, राधा के मौसा आए। राधा के मौसा आए। अगला शब्द गौरव। ग ग पे औ की मात्रा, र व गौरव। गौरव बाजार। ब ब पे आ की मात्रा, ज ज पे आ की मात्रा, र बाजार। मत मत जा। गौरव बाजार मत जा। अगला शब्द है सौरव। स स पे औ की मात्रा, र व सौरव। सौरव खेलने। ख ख पे ए की मात्रा, ल न न पे ए की मात्रा, खेलने गया। ग य य पे आ की मात्रा, गया। सौरव खेलने गया। अगला शब्द है पकौड़ी। पकौड़ी गरम गरम। प क क पे औ की मात्रा, ड ड पे बड़ी की मात्रा, खा ख पे आ की मात्रा, खा। पकौड़ी खा। औरत। अगला शब्द था औरत। औरत से हमने वाक्य बनाया औरत का सम्मान करो। औरत का सम्मान करो। अगला शब्द था खिलौना। हमने खिलौने शब्द से वाक्य बनाया मोहन बाजार से खिलौना लाया। इन सारे वाक्य में वही मात्राएं प्रयोग हुई हैं जो आप पढ़ चुके हैं।
अब तक आप सारी मात्राएं पढ़ चुके हैं और सभी मात्राओं का पुनः अभ्यास चल रहा है। आप उनसे बने शब्द लिख रहे हैं और उन शब्दों से वाक्य बनाना सीख रहे हैं और पढ़ना सीख रहे हैं, है ना बच्चों? इससे आपको वाक्य बनाने आ जाएगा, है ना? तो आप बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। जब आपको सारी मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा, आप उनसे वाक्य बनाना सीख लेंगे, शब्दों को पहचानना सीख लेंगे, तो आपको आसानी होगी किताब पढ़ने में। तो जब छोटे छोटे वाक्य मिला के पढ़ेंगे, पहले तो आपने छोटे छोटे शब्द पढ़ना सीखा, अब क्या सीख रहे हैं? आप छोटे छोटे वाक्य बना रहे हैं और उनको पढ़ना सीख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था अ की मात्रा, और हमने अ की मात्रा वाले शब्द लिखे और उनका वाक्य प्रयोग भी किया। आप भी अपने घर पे खूब इसका अभ्यास करिए, अ की मात्रा से बने शब्द लिखिए और वाक्य भी बनाइए। तो बच्चों, हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।